नमस्ते, आज हम इस वीडियो में व्हील बैलेंसिंग के बारे में सीखेंगे। पहले अलाइनमेंट का वीडियो अलग से आएगा। अच्छा, सर से पूछेंगे अभी ये व्हील बैलेंसिंग क्या होता है और क्यों किया जाता है। नमस्कार सर, ये आपके सामने जो रखी हुई है व्हील बैलेंसिंग मशीन है। इस मशीन पे गाड़ी के जो टायर्स रहते हैं उनको ला के बैलेंस किया जाता है, उसका रिम को बैलेंस किया जाता है, ताकि जब गाड़ी अपनी चल रही थी स्पीड में चलती है 100-120, तो इसमें अगर बैलेंस नहीं होगा तो हल्का सा बबलिंग जैसी करेगी, तो पूरा जो असर रहेगा पूरे स्टेयरिंग पैक, स्टेयरिंग गाड़ी का बबलिंग करेगा। इसलिए गाड़ी की बैलेंसिंग की जाती है। इसके लिए जो पूरी प्रोसेस है, फिर मैं आइए आपको पूरी प्रोसेस से विस्तार से बताता हूँ। इसके डिस्क्रिप्शन से, ये गाड़ी का व्हील है हमारा, इसको कहना चाहिए बैलेंसिंग के लिए आया हुआ है। इसमें अभी जो पुराने वेट्स लगे हुए थे, उस पुराने वेट्स को पूरा हम रिमूव कर देंगे इस रिम से, और गाड़ी में जो हवा भरी हुई है, जो भी उन्होंने एयर डलवाया, उसको पूरा गाड़ी चक्के से रिमूव कर देंगे। और रिमूव करने के बाद इसमें हम नाइट्रोजन फिल करेंगे। ये उन्होंने चक्के का नाल खोल दिया, अब उससे पूरी हवा जो है पूरी चक्के के अंदर से रिमूव हो जाएगी, पूरा टायर खाली हो जाएगा। उसके अंदर के नॉब निकाले थे, वो नॉब वापस टाइट करेंगे, उसके बाद लेके जाएंगे इसमें चक्के के अंदर प्रॉपर पूरा नाइट्रोजन भरी जाएगी। और प्रेशर जो गाड़ी के अंदर इसके नाइट्रोजन का प्रेशर रखा जाएगा वो 30 बार का रहेगा। तो इसमें नाइट्रोजन ही भर के करना ज़रूरी है क्या? जी, नाइट्रोजन एक अपनी ऐसी एयर है जिससे उसका टेम्परेचर पर उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और नॉर्मली कोई भी एयर आप लेंगे, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जैसे गाड़ी चल रही है 100-150 किलोमीटर चल गई है, तो उसके टायर गर्म हो जाएंगे, तो उससे गिरा कर अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, तो अंदर हवा उसकी बढ़ेगी, एक्सपांड हो जाएगी, जो उसके मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो आपस में डिस्टेंस और ज़्यादा कवर करने लग जाते हैं। इस वजह से उसके अंदर जो हवा का प्रेशर और बढ़ेगा। अगर अपन उसमें 30 डलाएंगे हवा, 30 प्रेशर डलाएंगे, तो अपने को जब चलने के बाद नॉर्मल हवा में नॉर्मल एयर चेक करेंगे, वो अपने को मिलेगी 35-38 ऐसे मिलेगी। बाकी जो नाइट्रोजन एयर ऐसी है, नाइट्रोजन कोई भी टेम्परेचर में जाए उसके फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, भले 100 किलोमीटर चले चाहे 200 चले, टेम्परेचर उसमें एज इट इज़ बना रहता है। इससे टायर की लाइफ भी सिक्योर रहती है और गाड़ी का प्रेशर सेम एक जैसा रहता है, तो ना गाड़ी बबलिंग करना है, ना गाड़ी ज़्यादा हार्ड टाइप की चलना, कुछ भी नहीं, एक नॉर्मल प्रेशर से पूरी गाड़ी ओके रहेगी। तो अभी फिलहाल इसमें जो नाइट्रोजन भरेंगे, ये सिर्फ बैलेंसिंग के लिए भर रहे हैं या फिर परमानेंटली इसमें नाइट्रोजन ही अभी रहेगा? सर, ये परमानेंटली भरी जाएगी। ये इसमें जो नॉर्मल एयर थी रिमूव हो गई, ये नाइट्रोजन होने लगा है, नाइट्रोजन वो मशीन से फिल होगा। नाइट्रोजन मशीन से फिल होने के बाद, चारों में फिल होने के बाद बैलेंसिंग करके गाड़ी में चक्के फिट हो जाएंगे, ये परमानेंट इसमें नाइट्रोजन फिल रहेगी। और कितने पॉइंट भरना है? सर 30 पॉइंट, आई मशीन पे आपको दिखा दूँ, 30 पॉइंट रहेगा, उस पर कहना चाहिए वो सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही वहाँ एयर कंप्लीट होगी, 222 बीप साउंड आएगा, एक तो वो देखिए बीप साउंड आया, मतलब 30 उसमें प्रेशर हो चुकी है। तो ये बैलेंसिंग करते वक्त आगे वाली व्हील्स और पीछे वाली व्हील्स, उनमें अलग अलग टाइप या अलग अलग वेट्स ऐसा कुछ है या फिर सब सेम? सर उसमें कोई वेट से कुछ अलग नहीं रहेगा। बैलेंसिंग मशीन पे चारों व्हील एक साथ एक एक करके आएंगे, जितने का जितने ज़रूरत रहेगी वेट की, वो मशीन हमको बताएगी, उतना वेट लगा के उसको क्लियर कर देंगे। जो हवा का प्रेशर रहेगा चारों की चारों टायर में 30 रहेगा, 30, वो कम ज़्यादा किसी में नहीं होगा, कि पीछे है तो 28 हो गए, चारों में 30 रहेगा। हाँ, तो अभी व्हील लेके आए, इसको क्या कर रहे हैं? ये सर उन्होंने पहले नाइट्रोजन फिल किया इसमें, अब उसके बाद ये लेके आए हैं, ये बैलेंसिंग मशीन है, हाफमैन बैलेंसिंग मशीन। हाफमैन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने अपने नाम पे उनके चला हुआ है, तो उन्हीं का ये पूरा नाम का सिस्टम है, हाफमैन स्टेयरिंग सिस्टम, अलाइनमेंट सिस्टम और बैलेंसिंग सिस्टम, उनके ये नाम पे मशीन है। तो ये वो मशीन लगाएंगे, लगाने पे मशीन पे ये चक्का लगाएंगे, लगाने के बाद उसको टोटल टाइट करेंगे, टाइट करने के बाद एक बार चेक करेंगे कहीं हमारा बैलेंस इसमें लगा तो नहीं रह गया, जो वेट लगा हुआ है वो लगा तो नहीं रह गया, एक बार चेक करेंगे बैलेंस इसमें टोटल कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो अभी फिलहाल उस पे जो लगी वेट है उसको निकाल देते हैं पहले ही? जी जी जी, वो पहले ही निकाल देते हैं, एक बार और चेक कर रहे हैं कहीं छूट तो नहीं किया, वो टोटल वेट नहीं होगा, बिना वेट के ये बैलेंस होगा। तो अभी क्या हो रहा है सर यहाँ पे? ये इन्होंने मशीन से इसकी डिस्टेंस जो होती है चक्के की, ये मेजर किए हैं, ये सिस्टम जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, हाँ। इसको केवल लेके आना चक्के के पास तक का, ये ऑटोमेटिक है, ये अपने आप फीड कर लेगा कि इतने डिस्टेंस पे अपने चक्के पे रखा हुआ, कितने पे प्रॉपर पूरा उसको ये जो सर्कम परदी है वो कहना चाहिए आ रही कि नहीं आ रही, प्रॉपर इक्वल डिस्टेंस पे, यहाँ 122 है, यहाँ 120 है, तो अनबैलेंस वैसी रहेगा, इसलिए प्रॉपर एक सीक्वेंस में गुलाई आ रही कि नहीं। ओके, तो फिर नेक्स्ट ये इन्होंने व्हील को रोटेट किया फॉरवर्ड की तरफ, उसके बाद ये जो ब्लैक कलर का कवर है मशीन का, इसको ऐसे ढक देंगे, जैसे इसको ढकेंगे मशीन ऑटोमेटिक रनिंग करेगी और चक्का उसके अंदर कंप्लीट रिवॉल्यूशन करते चले जाएगा। जैसे ही रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा उसके बाद मशीन हमको
ये जो रेवोल्यूशन हो रहा है और यहाँ पे इंडिकेटर्स में ये क्या क्या दिख रहे हैं सर? मीटर पे आपको इंडिकेट हो रहा है कि अभी ये दोनों डॉट है, दोनों डॉट से अभी अंदर रिवॉल्यूशन चल रहा है। जैसे ही रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा बस मीटर के ऊपर आपको लिखे जाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी जाएगी, उससे पता चलेगा हमको कितने का वेट कहाँ पे लगाना है। फिर हम ये हमको इंडिकेट किया है 10 का वेट हमको डालना है। अब इसको हम ओपन करेंगे, जो उन्होंने मशीन पे क्लस्टरोमीटर पे शो किया है कि ये 10 ये इनर साइड का है, ये 20 आउटर साइड का है। ये 10 का वेट हमको चके के अंदर साइड लगाना पड़ेगा और ये 20 का वेट चके के राइट साइड बाहर साइड लगाना पड़ेगा। ये उन्होंने 10 का वेट लिया तो यही वेट उसमें अभी लगेगी जी। इसको 10 लगाना है और 10 लगाने से पहले चके को आगे पीछे हल्का रोटेट करेंगे, जहाँ इसका सेंटर दिखाएगा एरो ऊपर नीचे आ जाएंगे, वहाँ पे इस सेंटर को इससे सेंटर से मिला के उसके बाद वहाँ वेट लगाया जाएगा। जो डाउन एरो दिख रहा है वहाँ पे, ये डाउन एरो में है, अभी हमको इसको रोटेट करेंगे। ये हमने रोटेट कर रहे हैं इसको, ये यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है ये डाउन हो रहा है। अब डाउन दोनों चीज़ सेम एकदम कर रहा है। अब हम इसके सेंटर पे ला के इसको वेट इसका 10 का और 20 का दोनों, ये आपका रिम आ गया, ये सेंटर पे आ गया है। अब इसका सेंटर में ला के हम 10 का वेट उसमें लगा देंगे। ये वेट उन्होंने सेंट्रलाइज किया कि यहाँ वेट लगना है 10 का इनर साइड में, ये 10 का वेट वो लगा देंगे। ये उन्होंने इनर साइड जो 10 का वेट डायरेक्शन था वो वेट लगा के कंप्लीट कर दिया है। अब ये 20 का वेट जो आउटर डायरेक्शन में दे रखा था कि बाहर साइड बाहरी सरफेस पे आउटर सरफेस पे 20 का वेट लगना है, ये 20 का मिलाएंगे, कहाँ जा रहा है ये हुआ। अब इसके सेंटर से लेके ये 20 का वेट यहाँ पे इसको फिट कर देंगे। ये वेट जब आप फिटिंग करते हैं तो ये किस रूप में आता है और उसके ऊपर आप कुछ उसको दबा के कुछ किया आपने यहाँ लगाने के पहले क्या? ये जो वेट आता है ये सिंपल एक क्लैंप रहता है, कभी कभी रिम हल्की सी मोटी हो जाती है तो क्लैंप लूज हो पड़ जाएगा। कभी कभी ये क्लैंप हल्की सी लूज आती है तो उसको पानी से इसको हल्का सा दबा दिए ताकि टाइट रहे, नहीं तो अगर ये टाइट नहीं होगा तो गाड़ी जब चलेगी आपकी स्पीड में चलेगी तो वेट हो सकता है गाड़ी से निकल जाए, इसलिए तो प्रॉपर टाइट होना चाहिए। अगेन वेट लगा के फिर उसको एक बार रोटेट करेंगे कि 0-0 दे, जैसी 0-0 इंडिकेशन वहाँ मीटर पे देगा टोटल ये रहेगा कि हमारा जो रिम है बैलेंस प्रॉपर बैलेंस हो चुका है। ये इन्होंने इंडिकेशन दे दिया 0-0, अब इस रिम में कोई भी एक्स्ट्रा बैलेंस की जरूरत नहीं है, ये रिम आपका बैलेंस हो चुका है। अब इसको इस मशीन से रिमूव किया जाएगा। अच्छा, आप इसमें बताइए, इसमें अगर अलॉय व्हील्स होते हैं तो क्या वेट्स अलग तरीके से दिखते हैं, उसको क्या करते हैं उसको बस दिखाइए। अलॉय व्हील्स होता है तो अलॉय व्हील्स में जो नॉर्मली रिम में होता है रिम में ये वाले वेट्स अपने को लगते हैं, और अलॉय व्हील्स रहेगा तो अलॉय व्हील्स में ये चिपकाने वाले वेट्स रखते हैं, ये चिपकाने वाले वेट्स पे ही लिखा रहता है किसको कितना कितना क्वांटिटी का है, 5 का है 10 का है, उसको अपन चिपका देते हैं। अलॉय व्हील पे ये चिपकने वाले वेट रहेंगे और जो नॉर्मल डिस्क है उस पे ये आपके फिट होने वाले रहेंगे। और उसमें ज़्यादातर कितने ग्राम्स तक का वेट ऐसे बैलेंसिंग में यूज़ होता है सर? नॉर्मली 10 और 20 यूज किया, अभी 10 और 20 नॉर्मली 40 ग्राम्स तक हमारे पास रखा होगा, ये 40 ग्राम्स तक वेट है, यहाँ तक यूज होता है ये। और इसमें जो ऊपर जो दो चीजें लगे हुए हैं ये किस काम के हैं सर? ये जो दो चीजें रखी हुई हैं, जब हम यहाँ रिम बैठालते हैं जैसे बड़ी गाड़ी का है सफारी का है उसके रिम नहीं बैठ पाते हैं, तो हम जब रिम उसको बैठालने के बाद ये साइड में लगा के इसको यहाँ पे ऐसे कवर करके ताकि प्रॉपर बिल्कुल जो उसके डिस्टेंस है यहाँ से जो उसने मेज़र किया है उससे ये पूरा और ये पूरा एकदम प्लेन पे रहेगा, और ये जो इसका रहेगा इसको ले आके इसके ऊपर टाइट कर देते हैं, यहाँ पे टाइट हो जाता है, वो इसलिए दिया रहता है। तो व्हील बैलेंसिंग में ये मशीन के जरिए हमने पूरा का पूरा जी, ये मशीन के जरिए मशीन हमको डाटा बताती है कि हमको कितना वेट कहाँ लगाना है, टोटल मशीनरी के ऊपर ये डिपेंड करता है, मशीन बताती है, हम वो डाटा लगा के व्हील बैलेंस करके उसको रिमूव कर देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो के जरिए व्हील बैलेंसिंग के बारे में सीख लिया होगा। धन्यवाद।